बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप क्रमे उत्तर पूर्व दिगरे गति कर 24 तारीख में केन्द्रीय बंगोपसागर अवपात रूप नेब यापर मध्य से ही समान दिग अर्थात उत्तर पूर्व दिगरे गति कर 25 तारीख संध्या सुधा उत्तर पूर्व संलग्न उत्तर पश्चिम दिग को मुहांब इस समय समुद्र रशांत घंटा प्रति पवन बेग 50-60 किलोमीटर रहिब तेणु 23 तारीख मत्स्यजीवी को समुद्र जावाक बारण कर अवपात सीधासलख प्रभाव ओडिशा पर पड़े ना स्पष्ट कर आईएमडी तथापि यार प्रभाव में 25 और 26 तारीख में उत्तर ओडिशा अनेक स्थान में हाल्का मध्यम धरण वर्षा हो विशेषकर बालेश्वर और भद्रक जिले में प्रबल वर्षार संभावना अच्छी दुई जिला येलो आलर्ट जारी करणिपाग विभाग सेपटे विभिन्न मॉडल अवपात गतिपथ नहीं भिन्न भिन्न आकलन करसीएमडब्ल्यूएफ जीएफएस और आइकन मॉडल कह 24 केन्द्रीय बंगोपसागर अवपात रूप नेबा दिग परिवर्तन कर उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर 26 सका पश्चिमबंग उपकूल अतिक्रम कर संपर्क अधिक सूचना पाई आम स्पेशल करेस्पोंडेंट निरुपमा बेहरा फोनलाइन अच्छा निरुपमा वर्तमान देखिए कि झड़ को नहीं विभिन्न विदेशी मॉडल भिन्न भिन्न आकलन वर्तमान लेटेस्ट अपडेट कौन आसुची देखते वर्तमान जहां सूचना रही आईएमडी जो कथा कहती जे लघुचाप क्षेत्र आसंता का सका सुधा अवपात परिणत हम अवपात परिणत हवा पर क्रमशः उत्तर पूर्व दिगरे गति कर परवर्त समय उत्तर पूर्व संलग्न उत्तर पश्चिम दिग आड़ ढली गति कर संभावना रही परवर्त पर्यायर यह पश्चिम बंगे स्थलभाग छुईवा नहीं गोटे प्रकार स्पष्ट सूचना जहां वर्तमान सुधा आसी एणु आम जब कहशा उपार सीधा सड़ख कौन प्रभाव नहीं पश्चिम बंग जिते मुहां होर ओशार किसीटा प्रभाव मिलपे यह देखी आम जब कहे 25 और 26 दुई दिन धरी उत्तर ओशा पकेट में किसीटा वर्षा होपे बालेश्वर भद्रक दुई जिला को आम जब देखुए प्रबल वर्षार संभावना जाहिर करणिपाग विज्ञान केन्द्र अर्थात 70-200 मिलीमिटर पर्यंत वर्षार संभावना रही बालेश्वर और भद्रक जिला यह व्यतीत उत्तर ओडिशा मयूरभंज कहवा जाजपुर कहवा यार पार्श्वर्ती जिला गुड़िक जहां रही सांगक उपकूल में कोहला पाग सांगक हालुका वर्षा परिलक्षित होपे किंतु विशेष वर्षार संभावना नहीं वर्तमान जहां सूचना रही पश्चिम बंग मुहां होते यह 24 तारीख में अवपात रूप नेब 25 तारीख संध्या बेलू उत्तर पूर्व संलग्न उत्तर पश्चिम दिगरे गति करने आरंभ हेब यह पश्चिम बंग मुहां हो पश्चिम बंग निकट में जितेबाला उपकूल अतिक्रम कर निश्चिंत पक्ष आम कहीपरिया ओडिशा रे सीधा सड़क प्रभाव रही ना उत्तर ओडिशा किसी जिला वर्षा प्रभावित हेब पवन रेग से अनुभूत होबना तो पवन बेग सेमती अनुभूत हेबना जहां पश्चिमबंग आड़ मुहांब अवपात आसंता काली अवपात रूप नेब लघुचाप जहाँ पाणीपाग विभाग पक्ष तेरे बालेश्वर कथा कहतु भद्रक ये सब जिले में किभली भाव में वर्षार प्रभाव केमती रही पारे से दिगरे केमती आसुची वर्तमान समय पाणीपाग विभाग पक्ष लेटेस्ट अपडेट देखो पूर्वर मध्य सूचना दि जाइला जे किसी जिला प्रभावित हेब उत्तर ओडिशार मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर सांगक आम जदि देखुचे जगत सिंहपुर केन्द्रापड़े कोहला पाग सांगक हालुका वर्षा परिलक्षित होपे किंतु आम जदि देखुचे बालेश्वर और भद्रक यही जो दुई जिला रही एटी पाखापाखि 70-200 मिलीमिटर पर्यंत वर्षा अर्थात 7 सेमिटर 20 सेमिटर पर्यंत वर्षार आकलन कर पूर्वानुमान करणिपाग विज्ञान केन्द्र किसी समय समय अधिक वर्षा होपे समुद्र तटवर्ती अंचल बालेश्वर भद्रक आम जब कहे समुद्र तटवर्ती अंचल गुड़िकर पवन रेग 30-40 किलोमीटर बेगर रही है समुद्र भितर जेहेतु आम जब कह पवन रेग अधिक रोचे समुद्र अशांत रच्च जुआर आसब से मत्स्यजीवी मान बारण कर समुद्र भितर को आज जी परवर्त सूचना पर्यंत मत्स्यजीवी मैंने समुद्र को न जातु बारण कर सीधा सड़क प्रभाव राज्य निश्चित भाव में सीधा साल प्रभाव राज्य पर पड़े ना जहां आईएमडी पक्ष पूर्व कहते प्रभाव रही कि पश्चिम बंगाल को मुहां निर्मा आप खबर पर नजर रखुदू।